Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our seventh lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students. Okay, first a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about subsets, we also talked about subgroups, and we also saw some examples of subgroups. Okay, so let me remind you what they are. So a subset is a part of a small part of that set, right? Okay, so for example, you have a set A, we will call a set B a subset of A if all the elements of B are in the set A. Okay, so all the elements of the set B are in the set A, then we'll call B a subset of A. Okay, so for example, the set 1, 2, 3 is a subset of the set 1, 2, 3, 4, right? So similarly, you also saw many, many examples of subsets. Okay, so what is a subgroup? Okay, so group is also a set, and then it has a binary operation and certain conditions on it. So for sets we can define subsets. Okay, so the question, a natural question is, will the subsets of a set or a group will form a subgroup or not, right? So will the subsets of a group be groups themselves, right? So that's the question. So if we will call a subset a subgroup, if it is a subset, let's say we have a group G, right? So we'll call a set, let's say H, a subgroup of G if H is a subset of G and H is also a group under the same operation as on G. Okay. So humne subsets ki baat ki aur subgroups ki baat ki, right? तो सब ग्रुप्स क्या हैं? एक ग्रुप जी का सब ग्रुप एच होगा अगर एच जी का सबसेट हो और एच खुद भी एक ग्रुप हो अंडर द सेम ऑपरेशन एज ऑन जी. फॉर एग्जांपल, जी जो है वो एक ग्रुप है अंडर एडिशन, तो एच जो है वो जी का सबसेट होना चाहिए और एच को भी अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाना चाहिए. ठीक है, तो हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी देखी सब ग्रुप्स की. जैसे हमने कहा कि ग्रुप जेड है अंडर एडिशन, इंटीजर्स का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन. तो उसके अगर हम सब ग्रुप्स की बात करें तो हमने कहा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, इसी तरह प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स भी होते हैं. तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स दो हर ग्रुप के हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो जब भी आपके पास एक ग्रुप होगा उसका उसके दो सब ग्रुप जरूर होंगे. वो दो सब ग्रुप्स क्या हैं? हर सेट अपना खुद भी सबसेट होता है, तो जी जो है वो खुद भी अपना एक सब ग्रुप है. तो ये एक सब ग्रुप हो गया. दूसरा सब ग्रुप ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका जब सेट बनाएंगे आप, आइडेंटिटी एलिमेंट का जब सबसेट सेट बनाएंगे तो वो भी हमेशा सब ग्रुप बनाएगा. तो किसी भी सेट के हमेशा कम अज कम दो सब ग्रुप जरूर होते हैं और वो दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं. कौन से? ग्रुप जी के लिए हमारे पास ग्रुप जी के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ग्रुप जी है तो उसके दो सब ग्रुप्स हमेशा होंगे. तो उसके सब ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो जी एंड जो सेट हम आइडेंटिटी एलिमेंट का बनाएंगे ये दोनों हमेशा जी के सब ग्रुप जरूर होंगे, राइट? अच्छा, अब इसके अलावा क्या सब ग्रुप्स होते हैं किसी ग्रुप के? ऑफ कोर्स होते हैं. जैसे हमने इंटीजर्स अंडर एडिशन की बात की तो फिर मैंने आपको बताया कि इसके दो सब ग्रुप्स तो ज़रूर हैं. जैसे ज़ीरो, इस केस में आइडेंटिटी है, और जेड, ये दो सब ग्रुप्स. इसके अलावा अगर सब ग्रुप्स की बात करना चाहें तो मैंने आपको बताया कि टू जेड जो कि इवन इंटीजर्स का सेट है,
इसमें आते हैं 0 और प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4 और सो ऑन. तो ये 2z का जो सेट है ये भी खुद एक सब ग्रुप z का है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, आइडेंटिटी भी मौजूद है, और ये एसोसिएटिव लॉ भी इसके ऊपर होल्ड करेगा. और एसोसिएटिव लॉ अगर सेट बिगर सेट के ऊपर होल्ड करता है तो वो स्मॉलर सेट के ऊपर ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा, राइट. तो ये हमारे पास कुछ सब ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी, और आगे चल के इसी लेक्चर में हम एक दो एग्जांपल्स और रिव्यू कर लेंगे. अच्छा, अब एग्जांपल्स को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन, इसके सब ग्रुप्स फाइंड करना चाहता हूँ. गालिबन लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ इसके सब ग्रुप्स बताए भी थे, आपको थोड़ा सा रीकैप करने के लिए ये एग्जांपल मैंने फिर इंक्लूड कर दिए, ताकि आप हम दोबारा से सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर लें. अच्छा, अब ये हमारे पास है 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन. तो इस सेट के अंदर सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस आ रहे हैं, सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस आ रहे हैं. तो अब ये अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है, ये आप हमने लास्ट टाइम चेक किया था. अब हमने ये चेक करना है कि इसके सब ग्रुप्स क्या हैं, राइट. अब इसके सब ग्रुप्स की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो सब ग्रुप्स तो हमेशा होंगे, राइट. इसके दो सब ग्रुप्स मौजूद हैं, वो दो सब ग्रुप्स क्या हैं. पहला सब ग्रुप अगर मैं लेट्स से H1 से डिनोट करूँ, तो वो मेरे पास आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट. और 2x2 मैट्रिसेस है, अंडर एडिशन है, एडिशन के अंदर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वो जीरो होता है, राइट. तो H1 जो है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, राइट. अच्छा, अब अगर मैं सेकंड इसके सब ग्रुप की बात करूं H2 की, तो वो ये M2x2 अंडर एडिशन खुद ही है, राइट. तो इसके दो सब ग्रुप्स हमेशा होंगे, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक जो 2x2 मैट्रिसेस का सब ग्रुप है, राइट. जो ये ग्रुप खुद ही है, तो ग्रुप खुद अपना एक सब ग्रुप होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का भी जो सेट होता है वो भी हमेशा सब ग्रुप बनाता है. इसके अलावा अगर मैं इसके कुछ सब ग्रुप्स की बात करना चाहूँ तो वो क्या होंगे. अच्छा चले, मैं H3 उसको कहता हूँ, और मैं एक कोई सेट बनाता हूँ. गालिबन ये सेट्स हमने कल भी देखे थे, लेकिन लास्ट टाइम भी देखे थे, लेकिन चले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको रिमाइंड करने के लिए बता देता हूँ. सो 2x2 मैट्रिसेस में सारे के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स होते हैं, जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया हुआ है. तो इसमें भी दोनों एलिमेंट्स ये जो हैं ये रियल नंबर के सेट से आएंगे. तो मैंने ये डिफाइन कर दिया एक नया सेट, जिसमें मैंने इस तरह के एलिमेंट्स रखे हैं, जो फर्स्ट पोजिशन है उस पे और फोर्थ पोजिशन पे ये ए और बी होंगे. यानी यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पोजीशन है उस पे जीरो ही होंगे, राइट. अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये इसका सब ग्रुप बनाता है या नहीं है, राइट. तो अब मैंने ये चेक करना है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है. जैसे मैंने कहा कि ये सेट मैंने 2x2 मैट्रिसेस से ही लिया, और अगर बिगर सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो स्मॉलर सेट में भी होल्ड करेगा. ये मैं एज अ फैक्ट थोड़ी देर बाद स्टेट कर दूंगा. तो अगर बिगर सेट में होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ, तो स्मॉलर सेट में भी होल्ड करता है. तो H3 जो है वो एसोसिएटिव है ऑलरेडी. तो हमने तीन कंडीशंस चेक करनी है. पहली कंडीशन ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ठीक है, अच्छा, मतलब ये एक सब ग्रुप है, राइट. एक सब सेट है, ठीक है. अब इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन होना चाहिए. इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, सबसे पहले ये सबसेट होना चाहिए, राइट. ये सबसेट है क्योंकि ये 2x2 मैट्रिसेस हैं, और ये सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस नहीं हैं, ये एक प्रॉपर सबसेट है. अब इसके अंदर जो है बाइनरी ऑपरेशन वो भी डिफाइन होना चाहिए. बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर डिफाइन होने का मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट्स मैं इस सेट में से लूँ, तो उनका रिजल्ट भी इसी सेट में आए. जैसे हमने ओरिजिनल ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था, इस सेट के ऊपर भी डिफाइन होना चाहिए.
जैसे मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ ए वन जीरो जीरो बी वन, ठीक है, ए वन और बी वन कोई सीरियल नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है। इसमें ऐड करूँ एक और एलिमेंट, लेट्स से ए टू जीरो जीरो बी टू, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आता है ए वन प्लस ए टू जीरो जीरो बी वन प्लस बी टू, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ए वन प्लस ए टू है, ये एक रियल नंबर है, बी वन प्लस बी टू भी एक रियल नंबर है, ए वन रियल नंबर था, ए टू रियल नंबर है, जब दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आता है। इसी तरह बी वन एक रियल नंबर है, बी टू एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर हमेशा रियल नंबर आता है। तो हमें किस तरह का मैट्रिक्स मिला, फर्स्ट पोजीशन पे नॉन जीरो एंट्री हो सकती है, सेकंड जीरो है, थर्ड भी जीरो है, फोर्थ पोजीशन पे भी नॉन जीरो एंट्री हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल मैट्रिक्स जिस फॉर्म का था कि फर्स्ट पोजीशन नॉन जीरो हो सकती है और फोर्थ पोजीशन नॉन जीरो हो सकती है, इसके अलावा बाकी दोनों पोजीशंस पे जो है वो नॉन जीरो वो जीरो एंट्रीज हैं। तो ये मैट्रिक्स भी उसी फॉर्म का है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो एच थ्री में से ही है, ये मैट्रिक्स जो है ये एच थ्री में से ही आता है, राइट। तो अब ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, ये एच थ्री में है, इसके अंदर जो मेरे पास है बाइनरी ऑपरेशन जो है ये इसके अंदर डिफाइंड है, या ये सेट जो है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है, राइट, ये सेट क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अच्छा, अब मेरे पास थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। अब एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो होता है जीरो एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जो है जीरो एलिमेंट जीरो 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 जीरो, क्या ये सेट एच थ्री के अंदर मौजूद है? ऑफ कोर्स ये मौजूद है, क्योंकि ए और बी जो हैं वो दोनों जीरो हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स हैं, कोई से रियल नंबर्स हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कोई सी भी रियल नंबर्स में से वैल्यू ले सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी जितने भी रियल नंबर्स की पॉसिबिलिटीज हैं वो ए एंड बी ले सकते हैं, राइट, तो वो जीरो भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये एच थ्री के अंदर मौजूद है, राइट। और फाइनली जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो ये है कि हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी होना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, रिमेम्बर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, एडिशन के अंडर इनवर्स की बात हो रही है। तो अब ए जीरो जीरो बी का जो इनवर्स है वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जब दोनों को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास जीरो आ जाए, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ए और बी रियल नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ए जीरो जीरो बी के लिए मेरे पास माइनस ए जीरो जीरो माइनस बी की भी पॉसिबिलिटी है, इन दोनों को जो आप आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो हर एलिमेंट ए जीरो जीरो बी के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कि तो वन जीरो जीरो टू के लिए इसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है माइनस वन जीरो जीरो माइनस टू, जब इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है जीरो 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 जीरो, ठीक है। किसी एक एग्जांपल के लिए चेक करना इनफ नहीं होता, इन जनरल चेक करना होता है, हर एलिमेंट के लिए इनवर्स होना चाहिए, लेकिन एग्जांपल से हमें चीज़ों की सेंस का पता चलता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है सब ग्रुप की, मैंने शायद आपको ये एक्सरसाइज भी दी थी कि आप टू क्रॉस टू मेट्रिसेस अंडर एडिशन के कुछ मजीद सब ग्रुप्स भी फाइंड करें, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं कि मजीद इसके सब ग्रुप्स चेक करें, फाइंड फाइंड सम मोर सब ग्रुप्स ऑफ एम टू क्रॉस टू अंडर एडिशन, ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि सब ग्रुप्स, अब मैं मज़ीद जस्ट एक एग्जांपल और इसके बाद मैं इस टॉपिक को
एग्जाम्पल्स के टॉपिक को क्लोज करूंगा कि सब ग्रुप्स की मेरे पास और मजीद एग्जाम्पल्स मुझे चाहिए. तो और एग्जाम्पल्स देने के लिए मैंने आपको ये फेमिलियर सेट होगा, 2x2 मेट्रिसेस डैश, राइट. इसका मतलब ये है 2x2 डैश, इसका मतलब ये है कि ऑल इन्वर्टेबल 2x2 मेट्रिसेस. इन्वर्टेबल जब भी हम मैट्रिक्स को कहते हैं, इसका मतलब है उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. वैसे तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे ए बी सी डी, तो उसके नेगेटिव नंबर्स का मैट्रिक्स ले लें तो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा. जब भी हम मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल कहते हैं, इसका हमेशा मतलब ये होता है कि हम उसके मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, हम उसके एडिटिव इन्वर्स की बात नहीं करते, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट. जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है मैट्रिसेस का, वो कभी एग्जिस्ट करता है, कभी नहीं भी करता, राइट. तो यहाँ पे जो हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं वो 2x2 मैट्रिसेस हैं, लेकिन वो इन्वर्टेबल 2x2 मैट्रिसेस हैं, मतलब उन सब का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. अब इस सेट को हम 2x2 डैश कह रहे हैं, लेकिन आप लिटरेचर में देखेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेट है, और इसको लिटरेचर में या बुक्स में अक्सर इससे डिनोट किया जाता है, GL2R. इस नोटेशन का मतलब सिर्फ ये है कि ऑल इन्वर्टेबल 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है. R यहां लिखने का मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर्स जो हैं मैट्रिसेस में जो लिखेंगे हम, वो रियल नंबर्स होंगे, इसके अलावा कोई नंबर्स उसमें नहीं आ सकते, ठीक है. इसी सेट को लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि हमारे पास वो सारे मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिसेस जिनके जिनका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है. वो सारे 2x2 मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है. अब आपको ये पता होगा आपके लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज से कि 2x2 मैट्रिसेस या n x n मैट्रिसेस इन्वर्टेबल होते हैं इफ एंड ओनली इफ उनका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा. अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो वो इन्वर्टेबल होगा, और अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा तो उसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो ही होगा, राइट. तो ये हमारे पास बड़ा फेमस और वेल नोन रिजल्ट है मैट्रिसेस के ऊपर. तो हमारे पास ये मैट्रिसेस जो हैं ये इन्वर्टेबल तब होते हैं जब उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो. तो इन दो सेट्स का मतलब एक ही है कि हम दो 2x2 मैट्रिसेस ले रहे हैं सारे के सारे जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, या सारे के सारे इन्वर्टेबल 2x2 मैट्रिसेस ले रहे हैं, राइट. अब इसके कुछ हमने फाइंड करने हैं सब ग्रुप्स. अब इसके सब ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? इसके सब ग्रुप्स ये हो सकते हैं कि मैं पहला सब ग्रुप तो इसका वही है जो यूजुअली हम लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट. वो क्या है आइडेंटिटी? यहां मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो होता है 1 0 0 1, 2x2 की बात हो रही है, राइट. इसके अलावा इसके सब ग्रुप्स क्या हैं? इसके अलावा GL2R जो है वो भी खुद एक अपना सब ग्रुप है, राइट. ये जो डैश M2x2 डैश जो है ये और GL2R ये सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये नोटेशन जो है ये फेमिलियर नहीं है, ये ज्यादा लोग यूज नहीं करते, लेकिन ये GL2R की जो नोटेशन है ये आपको लिटरेचर में जगह जगह मिलेगी, आपकी बुक में भी हो सकता है यही नोटेशन यूज की हो. अच्छा, इसके अलावा क्या इसके कोई सब ग्रुप्स हो सकते हैं? हम ट्राई करके देख लेते हैं. मैं कुछ ऐसे मैट्रिसेस लेता हूँ, लेट्स से मैं एक सब ग्रुप बनाता हूँ एच, जिसमें मैंने रखे हैं ऑल इन्वर्टेबल 2x2 डायगनल मैट्रिक्सेस. डायगनल मैट्रिक्स. अब इस सेट का क्या मतलब है? इस सेट का मतलब सिर्फ ये है
कि मैं इस तरह के मेट्रिसेस ले रहा हूं, ठीक है। डायगनल जो है उसके ऊपर नॉन जीरो एंट्रीज हैं, मेन डायगनल के ऊपर, उसके अलावा सब कुछ जीरो है, राइट। तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री जो है वो नॉन जीरो है, बाकी दोनों एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं। अच्छा, अब मैंने ये तो एक डायगनल मैट्रिक्स है इन जनरल, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये इन्वर्टेबल भी होना चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो करने के लिए सिर्फ ये कंडीशन लगाने की जरूरत है कि ए को जब बी से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब ये कि ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ए ही जीरो हो गया तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा, अगर बी जीरो हो गया तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो ये नॉन जीरो होने चाहिए दोनों के दोनों। अगर ये इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। आपको पता है कि आप टू क्रॉस टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए टाइम्स बी माइनस जीरो टाइम्स जीरो। तो ये ए बी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब सिर्फ यही है कि डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है, राइट। तो अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके लिए हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले क्या बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स का, ग्रुप का, इसके ऊपर वेल डिफाइंड है या नहीं है। फिर हमने ये चेक करना है कि ये सेट एसोसिएटिव है या नहीं, फिर इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, और इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो हम ये कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ये कि मैं दो मैट्रिसेस लूं ए जीरो जीरो बी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूं आई डोंट नो सी जीरो जीरो डी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ए सी, और फिर मेरे पास जीरो आएगा, और ए टाइम जीरो यहाँ पे जीरो आएगा, और इस पोजीशन पे भी जीरो आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी डी, ठीक है। अब ए भी नॉन जीरो है, सी भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो और डी भी नॉन जीरो, क्योंकि ए भी अगर नॉन जीरो होगा तो एक भी एंट्री जीरो हो गई तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो ए बी को नॉन जीरो करने के लिए ए को भी नॉन जीरो होना चाहिए और बी को भी नॉन जीरो होना चाहिए। इसी तरह इस कंडीशन में सी को भी नॉन जीरो होना चाहिए और डी को भी नॉन जीरो होना चाहिए। ये सेकंड मैट्रिक्स भी हमने एच में से लिया, राइट। ये दोनों मैट्रिक्स इसी सेट के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे ए सी भी नॉन जीरो है, बी डी भी नॉन जीरो है, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, और बाकी जो मैट्रिक्स है वो डायगनल भी है और इन्वर्टेबल भी है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो डायगनल पे नॉन जीरो हैं। तो ये एलिमेंट डेफिनेटली एच में मौजूद है, राइट। अब ये जो सेट है ये मल्टीप्लीकेशन का जो बाइनरी ऑपरेशन है जो ओरिजिनल ग्रुप के ऊपर डिफाइन हुआ था उसके अंदर ये क्लोज है, राइट। ये पहली कंडीशन है। सेकेंड, आपको मैंने बताया कि ये सबसेट है ओरिजिनल ग्रुप का जी एल टू आर का, राइट। अब इसका ये सब ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप जो है क्योंकि उसी सेट के अंदर से आ रहा है तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। अच्छा, अब इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, डायगनल मैट्रिसेस हैं, ए और बी जो है वो दोनों नॉन जीरो होंगे, तो ए और बी नॉन जीरो होंगे, इसके अलावा इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, राइट। ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन ए और बी जीरो नहीं हो सकते, राइट। तो अब ए और बी वन भी तो हो सकते हैं, राइट, दोनों को मैं वन ले सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ तो दोनों को वन भी ले सकता हूँ। तो ये जो एलिमेंट है वन जीरो जीरो वन, ये भी एच के अंदर मौजूद है, तो मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो भी एच के अंदर मौजूद है, राइट। अब हम फाइनली ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस सेट में कोई एलिमेंट मैं लूं तो उसका इनवर्स भी इसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं इस पोर्शन में कर देता हूं कि अगर आप मैट्रिक्स लें ए जीरो जीरो बी, इस मैट्रिक्स को अगर मैं कहूं लेट्स से ए, तो इसका इनवर्स जो है वो होता है
इसका इन्वर्स होगा वन ओवर, इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा वन ओवर ए जीरो जीरो वन ओवर बी. ठीक है, ये डायगनल मेट्रिसेस के इन्वर्स की प्रॉपर्टी है. अब ये आप चेक कर सकते हैं कि जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, राइट. तो ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है, डायगनल मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करना बहुत इजी होता है. हम ये करते हैं कि ये जो डायगनल एंट्रीज हैं इन इनका जो रेसिप्रोकल है हम फाइंड कर लेते हैं. मतलब अगर 2 है तो 1 ओवर 2 लिख देंगे, 3 है तो 1 ओवर 3 लिख देंगे. यही इन्वर्स होता है इन मैट्रिसेस का. आप चेक कर सकते हैं, जो आपको इन्वर्स फाइंड करने के मैट्रिसेस के मेथड्स आते हैं उनको ट्राई करें तो आपके पास हमेशा यही इन्वर्स आएगा. तो ये एक बहुत आसान चीज़ है डायगनल मैट्रिसेस के लिए कि उनका इन्वर्स फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान है, राइट. तो हम हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ये इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया. अब इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ए टाइम्स ए इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी आई के, राइट. अब ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, बाकी दोनों पोजीशन पे 0 है, और फिर बी को 1 ओवर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट. तो ये हमारे पास ए का, ए को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, राइट. सो ए टाइम्स ए इनवर्स आइडेंटिटी है. तो अब ये ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं. इसका मतलब है हर इन्वर्टेबल डायगनल मैट्रिक्स, यानी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, उसका इन्वर्स हमें फाइंड करना आता है, वो नॉन है. तो हर एलिमेंट जो इस सेट एच में है उसका इन्वर्स भी मौजूद है इसी सेट के अंदर, क्योंकि 1 ओवर ए भी नॉन जीरो होगा, 1 ओवर बी भी नॉन जीरो होगा. तो इस तरह के सारे मैट्रिक्स जो हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ए और बी रियल नंबर्स हैं. तो ए और बी की पोजीशन पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है. जैसे हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है 2 0 0 3, राइट. तो 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, लेकिन 1 ओवर 2 0 0 1 ओवर 3 भी तो इसी सेट में है, क्योंकि 1 ओवर 2 भी एक रियल नंबर है, 1 ओवर 3 भी एक रियल नंबर है. तो ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की. इसमें इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिसेस, यानी बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, इतने मैट्रिसेस हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. जितने रियल नंबर्स हैं उतने ही मैट्रिसेस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो ऑप्शन ये है कि जितने रियल नंबर्स हैं उससे भी ज्यादा मैट्रिसेस हैं, लेकिन हमारे पास जीरो यहाँ पे मौजूद नहीं है, राइट. तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है. इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है. मतलब ये स्टेटमेंट जो है इसका, इसकी शायद डायरेक्ट सेंस ना बने, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ए भी एक रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस आ जाएंगे. इस तरह बी भी एक रियल नंबर है, तो ये ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास और भी रियल नंबर्स के, और भी मैट्रिसेस आ जाएंगे. तो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ए को चेंज करते रहें तो मैट्रिसेस की एक क्लास आ जाएगी, फिर हम बी को चेंज करते रहें तो मैट्रिसेस की एक और क्लास आ जाएगी. बहरहाल तो ये हमारे पास सेट है, ये बहुत बड़ा सेट है, और इसको हमने ये प्रूव कर दिया कि एच जो है वो एच इज अ सब ग्रुप. ओके, तो एच जो है वो हमारे सेट का सब ग्रुप है, राइट. तो हमने कुछ सब ग्रुप्स फाइंड किए 2x2 मैट्रिसेस के, इन्वर्टेबल 2x2 मैट्रिसेस के. मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, जब भी इन्वर्टेबल वर्ड यूज होगा मैट्रिसेस के लिए, इसका मतलब हमेशा ये होगा कि हम मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं. एडिटिव इन्वर्स मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है, राइट. अच्छा, अब हम ये फैक्ट यूज करते आ रहे हैं कि जब भी कोई सबसेट होगा, एच सबसेट होगा किसी भी सेट जी का, तो हमारे पास ग्रुप जी का, देन बाइनरी ऑपरेशन जो है जी का वो एच के ऊपर हमेशा एसोसिएटिव होगा, राइट. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जी अब एक ग्रुप है, इसका मतलब है जी और कोई बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर स्टार, ये ग्रुप है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये सेट लेंगे एच और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे स्टार, तो स्टार एलिमेंट्स एच के जो हैं उनके ऊपर हमेशा एसोसिएटिव होगा.
जैसे हमारे पास एक ग्रुप है z अंडर एडिशन, राइट? तो मैं एक सबसेट लेता हूं लेट्स से नेचुरल नंबर्स का, फिर अंडर एडिशन, ठीक है? अब नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स का सब ग्रुप नहीं है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन अभी भी नेचुरल नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव है। इसको देखने का आसान तरीका यह है कि ये सारे एलिमेंट्स भी तो इंटीजर्स के सेट में से आ रहे हैं ना, तो अगर एसोसिएटिव लॉ सारे इंटीजर्स के लिए होल्ड करता है तो नेचुरल नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगा नेचुरली। मतलब अगर हम किसी स्मॉल सेट की बात करें तो ये मेरे पास एक स्मॉल सेट है, अगर इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो अगर मैं एक स्मॉल सेट ले लूं, सबसेट ले लूं इसमें से, तो इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर भी तो होल्ड करता है ना, इन पांचों के ऊपर होल्ड करता है तो इन तीनों के ऊपर भी होल्ड करेगा। तो यही सॉर्ट ऑफ हम फैक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर बड़े सेट के ऊपर ऑलरेडी हम ये चेक कर चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम स्मॉलर सेट्स के ऊपर भी ये चेक कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ उन पे भी होल्ड करता है, राइट? तो अब इस फैक्ट को हम अभी भी यूज करते आ रहे हैं और हम इसी को एज इट इज लेंगे क्योंकि ये एक सबसेट है ओरिजिनल ग्रुप का, तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, राइट? तो हम एसोसिएटिव लॉ यूजली सबसेट्स के लिए चेक नहीं करेंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्रुप है मे बी रियल नंबर्स अंडर एडिशन, तो जब आपको ये चेक करना हो कि हमारे पास सबसेट है लेट्स से इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये सब ग्रुप है इंटीजर्स का सेट इस रियल नंबर्स के सेट का या नहीं, तो आप ये नहीं चेक करेंगे, आप बाकी कंडीशंस ऑफ कोर्स चेक करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल क्या बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर वेल डिफाइंड है, और आप ये भी चेक करेंगे कि क्या हमारे पास इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। आप ये भी चेक करेंगे क्या इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है या नहीं, लेकिन हमें एक कंडीशन की रिलैक्सेशन मिल गई है कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं उनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स के, तो इनके ऊपर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल छोटी सी मैं आपको दे दूं कि हमारे पास लेट्स से रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन और हम उसका कोई सबसेट लेते हैं, तो लेट्स से इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? अब हम अगर ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के अंदर एसोसिएटिव है या नहीं है, तो आप अब इंटीजर्स का जो सेट है वो रियल नंबर्स के सेट का जो है वो एक सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है। अब यहां पे मुझे z क्रॉस लेना चाहिए, अदरवाइज ये सब ग्रुप ही नहीं बनेगा, सबसेट ही नहीं बनेगा। तो अब ये जो सेट है इंटीजर्स का अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सब ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जरूर होल्ड करेगा क्योंकि रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी होल्ड करता है, तो इसके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अच्छा, तो हम अब कुछ आगे चलते हैं। अब आपने अभी तक देखा है कि हम एक सबसेट लेते हैं किसी ग्रुप का, तो हमें बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। पहली कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती है क्या वो सबसेट है या नहीं, राइट? सेकेंड कंडीशन हमें ये चेक करनी पड़ती है कि बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर वेल डिफाइंड है या नहीं। मतलब ये कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन उसके अंदर क्लोज है या नहीं। हम दो एलिमेंट्स लें उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो वो उसका रिजल्ट उस सेट के अंदर आता है या नहीं। ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी दो एलिमेंट्स लें उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो आपके पास जो आंसर है वो भी उसी सेट के अंदर है। तो सबसेट के ऊपर भी हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशंस ऑलरेडी, फिर हम एसोसिएटिव लॉ चले, हमें इस फैक्ट की बदौलत मिल गया हमें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में है या नहीं,
और हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स जो है वो सेट में मौजूद है या नहीं। अब ये काफ़ी सारी कंडीशन है किसी एक सेट को सबसेट को प्रूव करने के लिए कि वो सब ग्रुप है या नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम से हम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है जो हमें बताता है कि एक सबसेट कब सब ग्रुप होगा। तो इसको सब ग्रुप क्राइटेरियन कह रहा हूँ मैं। ये क्राइटेरियन ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो। अब नॉन एम्प्टी की कंडीशन अगेन एक ट्रिवियल कंडीशन है क्योंकि मैं आपको पहले ही हम चेक कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो कभी ग्रुप बनाता ही नहीं है, तो वो सब ग्रुप भी नहीं बनाएगा क्योंकि एम्प्टी सेट तो ग्रुप ही नहीं है, तो सब ग्रुप को भी ग्रुप होना चाहिए, राइट। तो जब भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें एच किसी ग्रुप का, तो ग्रुप होगा उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो वो सब ग्रुप होगा अगर आप ये एक कंडीशन चेक कर लें बस, ठीक है, कि ए बी इनवर्स जो है, चले मैं यहां पे एच लिख देता हूं, ए बी इनवर्स जो है वो एच के अंदर मौजूद हो। मतलब इतनी सारी कंडीशंस थी ग्रुप की, उन सब को हमने उठा के एक कंडीशन के अंदर हम ले आए। वो ये है कि आप दो एलिमेंट्स लें, कोई से दो एलिमेंट्स लें सेट एच के, उसका जो ए बी इनवर्स है वो अगर एच के अंदर मौजूद है तो हमारे पास एच जो है वो एक सब ग्रुप बनाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बनाएगा। बस एक कंडीशन है, अगर ये एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास सब ग्रुप बनाएगा, अगर नहीं होगी तो ऑफ कोर्स वो नहीं बनाएगा, राइट। अब ये कंडीशन जो है ये मैंने मल्टीप्लीकेशन के केस में डिफाइन किया है। अगर इसी को आप एडिशन के केस में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप होगा ऑफ जी प्लस, अगर क्या हो, अगर ए प्लस बी इनवर्स। अब बी इनवर्स जो है वो एडिशन के केस में माइनस बी होता है, राइट। सो ए प्लस माइनस बी जो है वो, यानी ए माइनस बी जो है वो एच के अंदर हो सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल ए बी इन एच, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन जो है वो आसान हो गई है। अब हमें वो सारी कंडीशंस की बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ एक कंडीशन की बात करनी है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, अब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इसका मतलब आई एम श्योर आपको पता है कि वो सबसेट सब ग्रुप होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है किसी भी सबसेट के लिए तो वो सब ग्रुप भी होगा, राइट। तो ये दोनों साइड से ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। अब इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं और इस रिजल्ट का हम प्रूफ भी देखते हैं ब्रीफली। अच्छा, अब मेरे पास है सेट जेड अंडर एडिशन, ठीक है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि टू जेड जो है अंडर एडिशन जो है, इसको मैं एच ले लेता हूँ, ये मेरे पास जी है, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एच जी का सब ग्रुप है या नहीं। अब मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ एच से, लेट्स से टू ए, सारे एलिमेंट्स इसी फॉर्म के हैं, टू ए एंड लेट्स से एक और एलिमेंट लेता हूँ टू बी, ये दोनों जेड के एलिमेंट, टू जेड के एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों टू जेड के कोई से भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट्स इसी फॉर्म के हैं, राइट। कोई कोई इंटीजर ए है, कोई इंटीजर बी है, जब उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टू जेड का एक एलिमेंट आएगा। इसी तरह कोई और इंटीजर बी है तो उसको जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू जेड का एक एलिमेंट आएगा। टू जेड में क्या है, इवन इंटीजर्स हैं, राइट। अब ये कंडीशन मुझे ये कहती है कि मुझे जस्ट ये चेक करना है कि टू ए माइनस टू बी जो मेरे पास आ रहा है, टू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब ये इस सेट में किस किस्म के एलिमेंट्स हैं, टू को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। टू को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें। अब मेरे पास इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो इसका रिजल्ट क्या आया, टू है और ए माइनस बी है, एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है,
जब दो इंटीजर्स को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर एक और इंटीजर आता है. जैसे इसकी एक एग्जांपल देखना चाहूं तो 2 टाइम्स 2 और यहां पे 2 टाइम्स 3 ले लें, ठीक है. अब ये 4 है और ये 6 है. ये दोनों 2z के एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 के मल्टीपल हैं, राइट. इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं 4 माइनस 6, मेरे पास क्या आ जाता है माइनस 2. ये भी 2z का एलिमेंट है क्योंकि ये है 2 टाइम्स माइनस 1, 2 टाइम्स एक इंटीजर, राइट. तो ये 2z का एलिमेंट है. इसी तरह जब मैं 2a को और 2b को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आता है 2 टाइम्स a माइनस b. a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है. जब दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर भी एक और इंटीजर आएगा. तो ये मेरे पास किस फॉर्म का नंबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर. तो ये भी 2z में, ठीक है. बस यही एक चीज मुझे प्रूव करनी थी कि जब भी दो एलिमेंट्स लूं, 2a कोई भी एक एलिमेंट है, 2b कोई एक और एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो भी 2z में आए. ये एक कंडीशन मैंने चेक करनी थी, वो मैंने चेक कर दी. तो मैं इसको स्ट्रेट अवे कहूंगा कि 2z इज अ सब ग्रुप. ठीक है, अब हमारी लाइफ काफी इजी हो गई है कि हमें बहुत सारी कंडीशंस चेक नहीं करनी, सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है. अगर वो एक कंडीशन ट्रू होगी, होल्ड करेगी, तो हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा. अगर नहीं होल्ड करेगी तो नहीं बनेगा, राइट. तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है. अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये जो है वो सब ग्रुप बनेगा, राइट. अच्छा, अब इसको प्रूव करना है इस रिजल्ट को कि हमारे पास एक सबसेट है और वो सब ग्रुप होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट. तो इसके दो साइड्स हैं प्रूफ की. पहली साइड पे मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरे पास एक सबसेट है जो सब ग्रुप है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन जो है ये भी ट्रू होगी, राइट. और फिर सेकंड कंडीशन में मुझे ये प्रूव करना है कि अगर ये कंडीशन किसी भी सबसेट के लिए ट्रू हो तो वो सब ग्रुप बनेगा, राइट. अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं हम. तो इसके प्रूफ की दो साइड्स हैं, ठीक है. डायरेक्ट साइड क्या है, डायरेक्ट साइड ये है कि हमारे पास एक सेट है, H इज नॉट इक्वल टू फाई इज अ सबसेट ऑफ G, राइट. नॉन एम्प्टी सबसेट है, ओके. एंड H इज अ सब ग्रुप. ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, राइट. तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो सब ग्रुप भी है. हमने ये शो करना है, ये हाइपोथेसिस है, और शो ये करना है, शो दैट a टाइम्स b इनवर्स इज इन एच फॉर ऑल एलिमेंट्स फॉर ऑल a b इन एच. अब ये कंडीशन बहुत आसान है प्रूव करना, वो इसलिए कि a जो है वो h में है, b भी h में, ठीक है. अब h जो है वो एक सब ग्रुप है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें मौजूद होगा क्योंकि वो एक सब ग्रुप है. सब ग्रुप एक ग्रुप होता है इटसेल्फ, तो सब ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा और बाकी सारी कंडीशंस भी उसके अंदर ट्रू होंगी. तो b जो है एक एलिमेंट है h का, सो दिस आल्सो इंप्लाइज कि b इनवर्स p h में होगा, ठीक है. अब क्योंकि b h में है, h सब ग्रुप है, और b इनवर्स जो है वो भी h में होगा. अगर नहीं होगा तो हमारे पास h सब ग्रुप नहीं होगा, राइट. अब b इनवर्स h का एक एलिमेंट है, तो हमारे पास ये आ गया, a जो है वो h में है और b इनवर्स b h में है, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट दो एलिमेंट्स हैं h के, ठीक है, और h एक सब ग्रुप है, तो h जो है वो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्लोज भी होगा. अगर दो एलिमेंट्स लूं मैं h के, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं,
तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो भी एच में आएगा अगर एच सब ग्रुप होगा, अगर नहीं आएगा तो वो सब ग्रुप नहीं होगा. तो इसका मतलब है अगर दो एलिमेंट्स लूं मैं ए और बी इनवर्स एच में, तो उनका जो है प्रोडक्ट जो कि बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास जी डॉट है, तो मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए बी इनवर्स जो है वो भी एच में आएगा हमेशा सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी इनवर्स के लिए, राइट. बिकॉज सो इसके ऊपर आप रीजंस दे सकते हैं कि एच इज अ सब ग्रुप और यहां पे भी यही रीजन है कि एच इज अ सब ग्रुप. अब हमने क्या किया है, हमारे पास एक सबसेट था, एक सब ग्रुप था किसी ग्रुप जी का, ठीक है, और हमने ये प्रूव कर दिया है कि जब हम उसमें से दो एलिमेंट्स लें ए और बी इनवर्स, उनका प्रोडक्ट भी एच में ही आएगा, राइट. सो ये प्रूव्ड, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया. अब डायरेक्ट पार्ट जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे, सॉरी कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में हाइपोथेसिस ये है कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है. सो एच नॉन एम्प्टी इज अ सबसेट. एंड दूसरी कंडीशन हमारे पास ये गिवन है कि ए बी इनवर्स जो है वो एच में है फॉर ऑल ए बी इन एच, ठीक है. ए बी इनवर्स एच में मौजूद है ए बी के सारे एलिमेंट्स के लिए, राइट. अच्छा, अब मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि एच सब ग्रुप है, ठीक है. मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके लिए सिर्फ ये एक कंडीशन मुझे पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता. तो इसका मतलब मैं इसमें से ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये एक सब ग्रुप है, राइट. अब एच नॉन एम्प्टी है, राइट. एच हमारे पास नॉन एम्प्टी है और हमारे पास एच के अंदर कम अज कम एक एलिमेंट जरूर होगा. वो एलिमेंट जो है वो कौन सा एलिमेंट होगा ये आपको पता है ऑलरेडी कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन उसको हम अभी शो कर देते हैं. अच्छा, पहले कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई से दो एलिमेंट्स लें एच के अंदर, तो वो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एच के अंदर मौजूद होगा. मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्लोज है ऑन एच, राइट. तो हम दो एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी एच में से, ठीक है. अच्छा, अब मेरे पास जो एच है वो एक सेट है. अब दो एलिमेंट्स मैंने लिए, चले हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं ए और बी इनवर्स, राइट. तो हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जिनको मैं कह देता हूं ए और बी इनवर्स, राइट. अब बी इनवर्स भी एक एलिमेंट है, कोई से दो एलिमेंट्स हैं एच में, तो एच के एच नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे, राइट. अच्छा, अब मेरे पास क्या आता है, मैं ये देखता हूं कि हम ए बी इनवर्स जो है वो एच में है, तो ए बी इनवर्स जो है वो एच में है, राइट. तो ये बी इनवर्स एक एलिमेंट है, तो ए और बी इनवर्स का इनवर्स, राइट. बी इनवर्स एलिमेंट है हमारा, उसका जो इनवर्स है उस उन दोनों को जब उसको और ए को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर जो है वो एच में, ये हमें पता है. बी इनवर्स मैंने एक एलिमेंट लिया, उसका इनवर्स जब उसको ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो एच में, इस कंडीशन से मुझे पता चल रहा है, ठीक है. तो ये जो है ये मेरे पास आ जाता है, ये डेफिनेटली एच में, ठीक है, इस कंडीशन के तहत, राइट. अब ये एलिमेंट क्या बनता है मेरे पास, ये है ए बी इनवर्स का इनवर्स, एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स जो है वो एलिमेंट खुद ही होता है. तो इसका मतलब ये है कि ए बी एच में, ठीक है. सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी के लिए ए बी जो है वो एच में है, इसका मतलब एच जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ठीक है. अब मैं सेकंड कंडीशन चेक करना चाह रहा हूं. सेकंड कंडीशन ये है कि एसोसिएटिव लॉ, ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो एसोसिएटिव लॉ इसके ऊपर होल्ड करेगा.
राइट ये हमने प्रीवियस फैक्ट जो देखा है कि अगर सेट के ऊपर होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ तो उसके सबसेट के ऊपर भी होल्ड करेगा. एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ऑन एच. अब थर्ड कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए राइट. तो अब मैं लेता हूं दो एलिमेंट्स ए और ए इनवर्स एच में, ठीक है. अब ये दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर मौजूद हैं राइट. तो हमारे पास ये है कि ए ए इनवर्स जो है वो एच के अंदर मौजूद होना चाहिए राइट. अब ये ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो हमेशा एच के अंदर मौजूद होगा. मतलब अगर ए इनवर्स एच में है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है यानी वन जो है वो भी एच के अंदर मौजूद होगा. और फाइनली सारे एलिमेंट्स का जो इनवर्स भी होना चाहिए. तो मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ वन और बी ले लेता हूँ राइट. सो ये दो एलिमेंट्स हैं एच के, वन एच के अंदर मौजूद है ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ. तो वन और बी जो है वो मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ एच के राइट. अब जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ ओरिजिनल कंडीशन के तहत, वन और बी इनवर्स जो है वो एच के अंदर मौजूद है राइट. तो बी वन टाइम्स बी इनवर्स एच के अंदर मौजूद है. तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स एच के अंदर मौजूद है फॉर ऑल बी, ठीक है. तो अब मेरे पास ये चार कंडीशंस मैंने प्रूव कर दी. एक कंडीशन गिवन थी ए बी इनवर्स जो है एच में होगा, तो बाकी चारों कंडीशंस जो हैं वो ग्रुप की वो इससे फॉलो हो जाती हैं. अब आपके पास जब भी एक सब सबसेट आपको दिया जाएगा तो आप जस्ट ये एक कंडीशन चेक करेंगे कि ए बी इनवर्स जो है वो एच में मौजूद है, तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि एच जो है वो एक सब ग्रुप है राइट. अगर वो एक सबसेट है और ये एक कंडीशन ट्रू है तो वो सब ग्रुप है. एक एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं. अच्छा अब हम सब ग्रुप क्राइटेरियन को यूज़ कैसे करेंगे राइट. इसकी एक एग्जांपल है कि मेरे पास वही हमारे पास सेट है जो जो हम पहले ले चुके हैं कि हमारे पास सेट है इन्वर्टेबल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस का. अब इस सेट को मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जी एल टू आर भी है राइट. सो इन्वर्टेबल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस. तो हम एक सब ग्रुप ले रहे हैं इसका डायगनल मैट्रिसेस का, ठीक है. तो इसको मैं एच कह दूँ या डी कह दूँ, जैसे भी आप डायगनल से डी या एच कोई भी एक सब ग्रुप है. तो मेरे पास है वो सारे, ये आपको मैं आज ही एक एग्जांपल पहले बता चुका हूँ कि ए बी नॉन ज़ीरो राइट. अब ये एक डायगनल मैट्रिसेस का सेट है. अब मैं पहले आपने इसको चेक किया कि ये एक सब ग्रुप है, उसके अंदर आपने काफ़ी सारी कंडीशन चेक की. अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही कंडीशन चेक करनी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये एक ग्रुप बनेगा, अगर नहीं है तो ये ग्रुप नहीं बनेगा या सब ग्रुप नहीं बनेगा. तो मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ ए ए ज़ीरो ज़ीरो बी और एक और एलिमेंट मैं ले लेता हूँ बी सी ज़ीरो ज़ीरो डी, ठीक है. अब ए बी इनवर्स मैंने कैलकुलेट करना है, तो बी इनवर्स मुझे पहले पता होगा तो फिर ही है. तो बी इनवर्स जो है वो है वन ओवर सी ज़ीरो ज़ीरो वन ओवर डी, ठीक है. अब कंडीशन क्या है कि ये सबसेट जो है सब ग्रुप होगा अगर ए टाइम्स बी इनवर्स जो है जो कि हमारे पास बनता है ए ज़ीरो ज़ीरो बी टाइम्स वन ओवर सी ज़ीरो ज़ीरो वन ओवर डी, ठीक है. अब मेरे पास ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ओवर सी ज़ीरो ज़ीरो और b ओवर d राइट. अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास. अच्छा अब इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या ये प्रोडक्ट हमारे सेट h में है या नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट हमारे सेट h में है या नहीं.
हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर ए बी इनवर्स जो है वो अगर एच में होगा तो ये सब ग्रुप होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा. तो अब हमारे पास हमने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये ए बी इनवर्स जो है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, क्या ये एच में है. अब ए ओवर सी जो है वो एक रियल नंबर है, कोई से दो रियल नंबर्स ले उनका प्रोडक्ट, उनकी डिवीजन जो है वो भी एक रियल नंबर आएगी. और बी और डी भी एक रियल नंबर्स हैं तो इनका इनकी डिवीजन है वो भी एक रियल नंबर आएगी. ए भी नॉन जीरो है, सी भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, डी भी नॉन जीरो है, राइट. तो ये सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो हमारे पास ये नंबर भी नॉन जीरो है, ये नंबर भी नॉन जीरो है. जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर ही आएगा. तो मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं ए बी, या यहाँ पे ए ओवर सी और बी ओवर डी, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है, क्योंकि जब ये दोनों एलिमेंट्स खुद ही नॉन जीरो हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट भी नॉन जीरो. तो क्लियरली ये जो एलिमेंट है ये एच के अंदर मौजूद है. इसकी अगर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो वो हमारे पास होगा, ए हमारे पास लेट्स से 1002, ठीक है. बी हमारे पास है लेट्स से 2006, ठीक है. अब बी का इन्वर्स क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा आपके पास 1/2, 0, 0, 1/6, ठीक है. अब ए और बी का इन्वर्स जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 times, सो ए और बी, सो 1/1/2, सो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/6, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 1/3 सॉरी, ठीक है. तो अब मेरे पास आ गया 1/2, 0, 0, 1/3, राइट. तो अब ये 1/2 जो है ये एक रियल नंबर है, ये जीरो नहीं है. 1/3 भी एक रियल नंबर है, ये भी जीरो नहीं है. तो हमारे पास क्लियरली ये जो एच में है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है. तो हमने ये प्रूव कर दिया ऑलरेडी कि एच इज अ सब ग्रुप, ठीक है. अब आपको आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये मेथड जो है हम नया जो कर रहे हैं ये आसान है, इस बात से कि हम एक सबसेट लें, उसको चेक करें कि सारी के सारी ग्रुप की कंडीशंस ट्रू हैं या नहीं है. हमारे पास अब सिर्फ एक कंडीशन है, उसी को चेक करना है. अगर वो ट्रू है तो हमारे पास सब ग्रुप है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास सब ग्रुप नहीं है, राइट. तो ये हमारे पास आसान एक मेथड है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि एक सबसेट जो है वो सब ग्रुप बनेगा या नहीं. अब आपके पास आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज ये है कि चेक ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सब ग्रुप्स वी हैव डन using this method. जितनी भी अभी तक हमने सब ग्रुप की एग्जाम्पल्स की हैं, जिनको हमने वो लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू किया था, उन सब को आप इस मेथड के थ्रू ट्राई करें. तो हमारे पास काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको सब ग्रुप की बताई, तो उनके ऊपर अगर आप ये एग्जाम्पल या ये मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि कितना आपके पास फर्क पड़ेगा और आपके लिए कितनी आसानी हो गई है. तो आप ये चेक कीजिएगा प्लीज, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है. अच्छा, अब हम कुछ आगे चलते हैं. अब हमने अभी तक क्या बात की, ग्रुप्स की बात की, सब ग्रुप्स की बात की, और उसके अंदर एग्जांपल्स में हमने जो ग्रुप्स देखे वो नंबर्स के सेट्स देखे और मैट्रिसेस के सेट्स देखे, और फिर कुछ हमने फाइनाइट ग्रुप्स की बात की जिसमें हमने ग्रुप टेबल्स और की बात की, उसमें हमने क्लाइनफॉर ग्रुप जो है वो एक हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई थी ग्रुप्स की. अच्छा, अब इसके अलावा ग्रुप्स की क्या एग्जांपल हो सकती हैं. अच्छा, अब इसके ऊपर हम कुछ थोड़ा सा बात करेंगे. उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता है लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि इंटीजर्स मॉडुलो एन से क्या मुराद है. अच्छा, अब इंटीजर्स का आपको पता है मॉडुलो क्या होता है और मॉडुलो एन से क्या मुराद है मेरी, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं. अच्छा, अब मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले चले मैं शुरू करता हूँ इंटीजर्स
modulo 2. n जो है वो एक कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंटीजर्स मॉड्यूलो 2 क्या होंगे? अच्छा, अब ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। अब इसको अगर मैं देखूँ तो इस सेट में मैंने वो नंबर्स रखने इंटीजर्स मॉड्यूलो 2 में, हमने वो नंबर रखने कि हमने इंटीजर्स को डिवाइड करना है 2 से, सारे के सारे इंटीजर्स को डिवाइड करना है 2 से, और हमने रिकॉर्ड करने हैं रिमाइंडर्स। ठीक है, ये बहुत फॉर्मल कॉन्सेप्ट है और इसकी इसका बहुत बहुत अच्छा और मैथमेटिकल वे है इन सब चीज़ों को देखने का, लेकिन आपके लिए इसको इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बयान करना चाहूँ तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अच्छी बुक्स में जाएंगे तो आपको इसकी और तरह से इंटीजर्स मॉड्यूलो एन की एक क्लासिफिकेशन मिलेगी, जिसमें वो इक्वलेंस क्लासेस की बात करेंगे और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेके और इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन करके इंटीजर्स मॉड्यूलो एन को भी किया जा सकता है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत आसान इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये इंटीजर्स मॉड्यूलो एन क्या होते हैं। अब जेड ओवर 2 मैंने करना है और मैंने रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक सेट बनाना है जिसमें मैंने इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करते जाना है और जो भी मेरे पास रिमाइंडर आएगा ना उसको मैंने इस सेट में लिखना है। अब मैं इंटीजर्स का सेट यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या है, वो मेरे पास है 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 है और सो ऑन, राइट। अच्छा, अब मैं पॉजिटिव 0 से शुरू करता हूँ और पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाता हूँ। अब 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर मेरे पास 0 ही आएगा, राइट। सो 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, राइट, सो अच्छा, अब नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या है? 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, राइट, सो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 को 1 को 2 से डिवाइड करूँ, बहुत एलिमेंट्री चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो अब 2 टाइम्स 1 तो मैं कर नहीं सकता, तो 2 टाइम्स 0 ही करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 0 जो है वो 0 होगा, तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, राइट। अब 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 वंस आर 2 और हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, 2 टाइम्स 1 इज 2, सो मेरे पास आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0 है तो मैं चलें फिर 0 लिख देता हूं। 3 को 2 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। अब इसके बाद 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा, रिमाइंडर फिर से आ जाएगा 0, इसी तरह 1 और सो ऑन, ठीक है। इसके इस सेट के अंदर मेरे पास, अब जब सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उन एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, तो मेरे पास इस सेट के अंदर 0 और 1 दो ही एलिमेंट आए, ठीक है। अब इस सेट को मैं कहता हूँ इंटीजर्स मॉड्यूलो 2, मतलब मैंने इंटीजर्स को डिवाइड करना है 2 से और उनके रिमाइंडर्स जस्ट रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब इंटीजर्स को डिवाइड किया 2 से, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 को, तो मेरे पास ये दो नंबर्स आए, ठीक है। अब मतलब इसी तरह मैं अगर नंबर्स को डिवाइड करना करूं तो आपने ये देखा है कि जब भी मेरे पास नंबर होगा वो मल्टीपल होगा 2 का, तो मेरे पास जो है आंसर क्या आएगा? आंसर सेम आएगा, राइट। तो मेरे पास अगर मेरे पास 0 है तो 0 प्लस 2 जो है वो भी 0 होगा, राइट, और इसी तरह 0 प्लस 2 जो है वो भी 0 होगा,
ठीक है, अच्छा इसी तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं. अब 1 है, 1 प्लस 2 जो है वो 1 होगा, इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 2 जो है वो भी 1 होगा, इसी तरह फाइनली 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 जो है वो भी 1 होगा. मतलब ये कि नंबर के अंदर आप 2 या उस 2 के मल्टीपल्स आप ऐड करते जाएं तो हमारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अच्छा अब आप ये ले लें. अब नेगेटिव नंबर्स की भी बात कर लेते हैं. माइनस वन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है माइनस वन, राइट. अब माइनस वन जो है उसका रिमाइंडर है, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर आता है माइनस वन. लेकिन माइनस वन के अंदर मैं 2 ऐड करूं, जैसे मैंने आपको देखा 2 ऐड करते जाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाता है 1. ठीक है, माइनस वन के अंदर 2 ऐड करूं तो आ जाता है 1. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है माइनस वन और 1 जो है ये सेम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मतलब उनका रिमाइंडर सेम है अंडर जब उनको 2 से डिवाइड करूं मैं. अब इसकी इसकी बहुत बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं कांग्रेस की फॉर्म में, लेकिन मैं आपको उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा. तो मेरे पास जो इंटीजर्स का सेट है मॉड्यूलो 2, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, 0 और 1. ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे 1 से ज्यादा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. 0 यहाँ पे बेसिकली 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, इसी तरह माइनस 2 भी है, माइनस 4 भी है, माइनस 6, और इसी तरह 2 के सारे मल्टीपल्स को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह 1 यहाँ पे एक एलिमेंट है जो 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह सारे इस तरह के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 0 और 1 जो है ये 2 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे जब हम इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आपको शायद अजीब लगे इस जगह पे, लेकिन कॉन्ग्रेंसेस के थ्रू इसको इसकी बहुत बहुत आसानी से सेंस बनाई जा सकती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे. आप इसको यूं समझें कि इंटीजर्स मॉड्यूलो 2 जो है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, वो 0 और 1 है. जब हम किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड करें 2 से और उसका रिमाइंडर रिकॉर्ड करें तो हमारे पास 2 ही डिस्टिंक्ट नंबर आते हैं बस, इसके अलावा कोई से नंबर्स नहीं आते, राइट. अच्छा अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं. अब मैंने इंटीजर्स मॉड्यूलो 2 की बात कर दी. अब इसके अलावा अगर मैं नंबर n को इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास सेकंड पे हो जाएगा, लेट्स से इंटीजर्स मॉड्यूलो 3. अब इंटीजर्स मॉड्यूलो 3 में क्या आएगा? इंटीजर्स मॉड्यूलो 3 में ये होगा कि हम z जो इंटीजर्स हैं उनको डिवाइड करेंगे 3 से और रिमाइंडर रिकॉर्ड करने हैं, बस रिमाइंडर रिकॉर्ड करने हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस सेट को 3. अब 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, और 2 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 2. अब इसके अलावा क्या आएगा? अब 3 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 4 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, 5 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आएगा, राइट. तो ये सारे एलिमेंट्स पहले से मौजूद हैं, हम रिपीट नहीं करते सेट में एलिमेंट्स को. अब ये जो z मॉड्यूलो 3 है, इंटीजर्स मॉड्यूलो 3, इसके अंदर ये 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1 और 2, राइट. इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा. अच्छा अब ये जो सेट्स हैं ये हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं हमारे पास, जो हमारा ग्रुप थ्योरी है उसमें ये सेट्स जो हैं वो ग्रुप्स की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बनते हैं. हम ये चेक करेंगे कि ये सेट्स जो हैं हमने इंटीजर्स मॉड्यूल और अरिथमेटिक जो डिफाइन किया है, ये कब ग्रुप्स बनाते हैं और कब नहीं बनाते हैं, राइट. तो हम इसको मजीद एलेबोरेट भी करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमारे पास कब ग्रुप बनाएगा और कब ग्रुप नहीं बनाएगा. तो ये हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट टाइम. अच्छा आज हमने इस लेक्चर में क्या
कोर्स कवर किया. हमने सबसे पहले ऑफ कोर्स रिकैप किया कि सबसेट्स क्या होते हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हमने देखी सब ग्रुप्स की. अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे फिर इस लेक्चर में हमने आगे लेके चले कि कुछ मजीद एग्जांपल्स जो हैं वो सब ग्रुप्स की. जैसे मेट्रिसेस का हम एक ग्रुप लेते हैं तो उसकी सब ग्रुप्स क्या होंगे, फिर मेट्रिसेस अंडर एडिशन हमने कंसिडर किया, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हमने कंसिडर किया, तो उनके सब ग्रुप्स क्या बनेंगे, राइट. अच्छा, इसके बाद हमने मैंने आपको ये फैक्ट भी बता दिया कि जो अगर ग्रुप जी एक बिगर सेट है, उसका एक सबसेट लें एच आप, तो अगर जी के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो वो एच के ऊपर भी एसोसिएटिव होगा, राइट. अच्छा, फिर आप हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जिसमें हमने ये चेक किया, एक कंडीशन हमें मिल गई जिसके थ्रू हम किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं. अब पहले हमारे पास ये डेफिनेशन थी कि एक सबसेट सब ग्रुप होगा अगर उसके ऊपर वो खुद भी एक ग्रुप होगा, राइट. तो अब हमारे पास ये काफी लेंथी प्रोसीजर था, हमें चार कंडीशंस चेक करनी पड़ती थी कि अगर किसी भी एक सबसेट को हमने सब ग्रुप प्रूव करना है. तो हमें एक अच्छा रिजल्ट हमने देखा जिसके थ्रू हमें सिर्फ एक कंडीशन मिल गई जिसको यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी सबसेट जो है वो एक सब ग्रुप बनाएगा, राइट. तो हमने ये देखा कि एक सबसेट जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ऑफ कोर्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी भी ग्रुप जी का सब ग्रुप बनाएगा, और ऑपरेशन हम अज्यूम करें मल्टीप्लीकेशन का, अगर ए बी इनवर्स जो है वो एच में हो, सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी एच में अगर मौजूद हों तो उनका ए बी इनवर्स जो प्रोडक्ट है वो भी एच के अंदर मौजूद हो. अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो कोई भी सबसेट जो है वो हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा. तो एक कंडीशन चेक करनी है इंस्टेड ऑफ चेकिंग दी फोर कंडीशंस. और फाइनली हमने मॉड्यूलो अरिथमेटिक की थोड़ी बात की कि अगर इंटीजर्स हों उनको हम मॉड्यूलो अरिथमेटिक कैसे डिफाइन करते हैं. मैंने आपको जेड मॉड 2 की थोड़ी सी एग्जांपल दी और जेड मॉड 3 की. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद रिफाइन करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या ये नए सेट्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये भी ग्रुप्स बनाते हैं या नहीं. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन.